क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम, देखो ये डायग्राम हो गया पैरेललोग्राम का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइड्स। तो देखो पहली बात, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये आप चार्ट बना लो जल्दी सब लोग। टोटल छः कॉलम बनाना, टोटल छः प्रॉपर्टी डिस्कस करनी मुझे। एक चार्ट बनाओ, पैरेललोग्राम की साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, ठीक है भाई। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, नोट हो गया। नेक्स्ट डायगनल, अब ये इंपॉर्टेंट है, डायगनल इक्वल नॉट इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, जैसे हमने ये डायगनल ड्रॉ किया, यहां से ये डायगनल ये किया और ये डायगनल ये ड्रॉ किया, तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। बाइसेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉट इक्वल होते, डायगनल इक्वल नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल, देखो डायगनल के अपोजिट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अच्छा और ये जो माना, ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा और ये अल्फा, तो ये सॉरी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा मान लो, तो अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू होती है कितनी, 180 डिग्री, इस तरह समझ सकते हो आप। अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका इसका सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल मान सकते हैं इसको हम, तो ये एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अच्छा इसका एरिया, अब एरिया निकालने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर वन, अगर आपको किसी पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा दे रखा है, माना ये पैरेललोग्राम है आपका, आपको बेस दे रखा है ये भुजा और ये हाइट दे रखी है, तो एरिया हो गया बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। और सेकंड मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी पैरेललोग्राम में, माना ये भुजा दे रखी है आपको 12, ये दे रखी है 10 और ये डायगनल दिया हुआ है आपको 20, तो उस केस में आप इस त्रिभुज में लगाओगे हीरोन फॉर्मूला, याद है डेल्टा वाला एस 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 माइनस वाला, और उसके बाद इसको दुगना कर दोगे। सो मैम, अगर आपको दो भुजाएं दे रखी हैं पैरेललोग्राम की और एक डायगनल दे रखा है, तो इसमें आप लगाओगे हीरोन फॉर्मूला, लिख लो इस बात को, ये हो गया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, नोट करो। चाहो तो आप वन बाई वन अलग भी नोट कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। डायगनल में लिखा हुआ है डायगनल नॉट इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं। हिंदी बोल दो इसकी, इंग्लिश समझ आ रही ना, नोट हो गया। हाँ जी, बेटा भी पूरा एक साथ नोट करना, अभी बहुत कुछ आएगा इसमें, एक साथ पूरा चार्ट हो तब नोट करना, तब फोटो लेना है इसकी, वो फोटो लेते हो जब एक साथ लेना फोटो, जब पूरा हो जाए। ओके रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, एंड पैरेलल भी होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं रेक्टेंगल में। आपने काम कर सकते हो, अलग से भी रेक्टेंगल 0.1, 0.2 करके ले सकते हो आप। डायगनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी,
एंगल्स, ऑल एंगल 90 डिग्री, एरिया होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर परिमाप टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये परिमाप हो गया इसका, ये रेक्टेंगल क्या हो गया। नोट हो गया, देखो ये टॉपिक है, इसमें कुछ डेफिनेशन आपको करनी ही पड़ेंगे यार, ये टॉपिक पूरा पूरा थ्योरी बेस्ड है, आपको कंडीशन सब याद होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आगे है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, लेकिन ये इतना आपको होना चाहिए। नेक्स्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, सारी साइड इक्वल माना, ए ए मान लो सारी भुजाएं, अच्छा डायगनल इंपॉर्टेंट होता है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट डिग्री। अब यहां पे एक नई कंडीशन आ गई, अदर एट 90 डिग्री, मतलब इक्वल भी होंगे, एक दूसरे को बराबर बांटेंगे भी और 90 डिग्री पे कट करेंगे। हम नहीं, रेक्टेंगल में 90 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखना। देखो हर बार एक इस कंडीशन बढ़ रही है, देखो यहां पर पैरेललोग्राम में राइट एंगल डायगनल इक्वल नहीं होते हैं, है ना, इसमें इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं और राइट एंगल पे कटते हैं, ठीक है, वन बाय वन कंडीशन ध्यान रखना आप। और कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सारे एंगल 45 45 होते हैं, ठीक है भाई, और अगर साइड हमने ए मानी है, अगर साइड ए है तो डायगनल होगा ए रूट टू, ये भी ध्यान रखना, विकर्ण का मान ए रूट टू होगा, अगर हमने साइड ए मान ली है तो डायगनल होगा ए रूट टू, ठीक है। ऑल एंगल ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एरिया ए स्क्वायर, परिमाप पेरीमीटर 4a होता है, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला एक और होता है, एरिया बराबर डायगनल का स्क्वायर बटे दो, विकर्ण का वर्ग बटे दो, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हो गई, नोट करो। हाँ जी, हाँ बता देता हूँ, इसको नोट करो, फिर बताता हूँ उसको। देखो एरिया का एक लॉजिक समझ लो, अगर ये भुजा आपको 10 दे रखी है, अच्छा अब करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब इसी बेस पर हाइट बना दीजिए, ठीक है, तो एरिया होगा 10 इंटू एच, और अगर ये भुजा 20 दे रखी है, इधर आपकी हाइट है माना एच वन, हाइट का मतलब इन पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, तो इसका एरिया हो जाएगा 20 इंटू एच वन या 10 इंटू एच, दोनों एरिया बराबर होंगे, समझ बात। अच्छा एक चीज और नोट करो, पैरेललोग्राम में ये नोट कर लिया आपने, ये फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं इसको, एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के सीजीएल में आया हुआ था क्वेश्चन, माना एक पैरेललोग्राम दिया ए बी सी डी, ठीक है भाई,
ये लेंथ दिया आपको L, ये दिए B, आपको एक डायगनल दिया है D1 और आपको दूसरा डायगनल D2 पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का ट्वाइस इज इक्वल D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ट्वाइस ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये पहले वाला में कंडीशन जोड़ लो, और इसमें रेक्टेंगल में डायगनल होता है d बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? नोट हो गया सब? ये जो पैरेललोग्राम मैंने लास्ट लाइन लिखवाई इसको ढंग से मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला नया है आप लोगों के लिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। साइड के स्क्वायर का सम का डबल डायगनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा रॉम्बस, वो ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। ओके, रॉम्बस, रॉम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर का ही पार्ट होता है बस थोड़ा टिल्ट होता है। अच्छा डायगनल अनइक्वल bisect each other at 90 degree, बहुत important condition है। अच्छा relation between diagonal and side, 4a square बराबर d1 square plus d2 square। देखो एक diagonal d1 मान लिया आपने, ये वाला, ये d2 मान लिया, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं a मान लो, ठीक है भाई। तो ये relation बहुत important है आपके लिए, साइड का स्क्वायर का फोर टाइम बराबर डायगनल वन स्क्वायर प्लस डायगनल टू स्क्वायर, हो गया? नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बस, अपोजिट एंगल इक्वल। अभी मैं इसका पूरा चार्ट दूंगा आप लोगों को, इसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका एरिया नंबर वन हाफ डी वन इंटू डी टू, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, और इसका पैरामीटर होता है 4a परिमाप, नोट हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम, इसको बोलते हैं समलम हिंदी में, डायग्राम कुछ ऐसा होता है, बस समझने की बात। इसमें केवल अपोजिट साइड, कोई दो साइड पैरेलल होती हैं, ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, अदर टू साइड पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। जैसे नहर होती है, नहर, नहर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा डायगनल नो कंडीशन, इक्वल की कंडीशन नहीं थी, बाइसेक्ट कंडीशन, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं होती है। एंगल में नो कंडीशन, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कोई कंडीशन नहीं होती है। अच्छा एरिया इंपॉर्टेंट है इसका, इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, समांतर भुजाओं इंटू उनके बीच की दूरी। ये फॉर्मूला हो गया एरिया, बस ये फॉर्मूला काम का है आपको।
ठीक है भाई। अगला आता है काइट, पतंग। देखिए पतंग की कंडीशन, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट मतलब होता है संग, क्या बोलते हैं एडजेसेंट को, संगत भुजाएं। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है भाई। अच्छा डायगनल बाइसेक, वन डायगनल बाइसेक्ट अदर एट 90 डिग्री। बस ये इंपॉर्टेंट है, देखो केवल एक डायगनल बाइसेक्ट, देखो ये डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है, ये इसको 90 पे काट रहा है, ठीक है। एक डायगनल बाइसेक्ट होगा, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, केवल एक डायगनल बाइसेक्ट होगा, बाकी डायगनल का मतलब नहीं होता हमें कुछ, ठीक है। 90 कटता है, बाइसेक्ट एक ही डायगनल होता है बस, ठीक है। अच्छा इसका एरिया हाफ डी वन इंटू डी टू, अगर डायगनल आपको डी वन डी टू दिए तो हाफ डी वन इंटू डी टू। ये बहुत, ये केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन में काम आता है इसका डायग्राम, ठीक है। अगर दो आसपास की भुजाएं बराबर है और बाकी दो आसपास, तो ये पतंग ही हो सकती है, ठीक है। हाँ एरिया आया नहीं आज तक कभी, थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के दो आसपास की भुजाएं बराबर हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगा, पतंग होगा। अभी क्वेश्चन है सीट में, आप करोगे तो समझ में आएगा। हो गया नोट। देखो आपके लिए टोटल चार क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो आप ये चार पूरा नोट कर लें। ये लाइन से चार्ट है, ढंग से नोट कर लो। ओके सम एप्लीकेशन ऑन मेंसुरेशन। नाउ सर्किल में अगर हम रेक्टेंगल स्क्वायर बनाते हैं तो पहला कंडीशन सुनो यार, अगर आप किसी सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बनाते हो तो सर्किल का डायमीटर हमेशा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। सर्किल का डायमीटर, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक सर्किल है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, आप लोग करके दिखाओगे इसको मुझे, इसमें मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, तो स्क्वायर को छोड़ के बाकी हिस्से का एरिया बताओ। समझ आया क्वेश्चन सबको, बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, करो 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 कर आंसर बताओ। रेडियस 5 है, सर्कल की रेडियस 5 है, करके दिखाओ। देखो आपके पास अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 10, और मैंने आपको लिखवाया डायमीटर जो होती है सर्कल की वो स्क्वायर का डायगनल हो गया, तो डायगनल बराबर 10, ठीक है, ये हो गई डायगनल स्क्वायर का। अच्छा हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया, तो शेडेड एरिया क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो होगा। अच्छा एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था डायगनल स्क्वायर बाई 2, याद है अभी लिखवाया था, तो ये हो जाएगा 25 पाई माइनस 100/2 या 25 पाई प्लस 50 या 25 कॉमन माइनस 25 कॉमन अंदर जाएगा पाई प्लस माइनस 2, समझ में आई भाई, अगर पाई की फॉर्म में आंसर हो तो कन्वर्ट कर लेना। हाँ ये पॉइंट के लिए सबको। अच्छा इसका मतलब बेसिक रूल ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर में उसका विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होता है, ये याद रखना आप लोग सब बात, ठीक है भाई। अच्छा अब आते हैं, अगर हम बनाते हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में भी कंडीशन होती है, रेक्टेंगल का डायमीटर, सॉरी सर्कल का डायमीटर और रेक्टेंगल का डायगनल बराबर होता है, ठीक है भाई,
सेम कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आपसे बोल दिया जाए एक सर्कल के अंदर 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इस सर्कल का एरिया पूछा जाए, बताओ क्या होगा? आराम से बताओ। क्वेश्चन ये है, एक सर्कल के अंदर हमने 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर रेक्टेंगल बनाया, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। भाई इसका देखो डायगोनल कितना आ गया, 10, पाइथागोरस लगा देना, ये 10 आ गया। तो 2r = 10, r = 5, क्यों भाई? यहां पर डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, और 6 और 8 जानते हो आप 10 होता है, d = 10। समझ में बात, आगे बढ़े। अच्छा क्या नोट करना पिछला? ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आउटसाइड एंड इनसाइड पाथ का कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल था, माना इसकी साइड थी रेक्टेंगल स्क्वायर, माना साइड थी एक्स और वाई, या लेंथ और ब्रेथ मान लो, ठीक है। अब आपने इसके चारों तरफ एक एक्स मीटर का पाथ बनाया गया, तो देखो भाई क्या होगा, अगर ये अंदर की लेंथ एल है तो बाहर की लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो इधर से भी एक्स जुड़ेगा, इधर से भी एक्स जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, और इधर कितना हो जाएगा, ये साइड b + 2x, ठीक है भाई। अब आपसे दो तीन चीज पूछ सकता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो क्या करोगे, बाहर का एरिया l + 2x × l + b + 2x, राइट, माइनस एल बी, ये आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। अच्छा अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक क्वेश्चन लेते हैं, माना कि एक स्क्वायर है, सॉरी माना एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड है 20 बाई 12, इसके चारों तरफ हमने 2 मीटर का पाथ बनाया गया, ठीक है, ये 2 मीटर है, और बोला गया इस पर हमने डालना है पत्थर, या पत्थर लगाना है इस पर, जिसका रेट है ₹10 per meter square, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बाई स्टोन, बताओ। दोबारा समझ लो, एक रेक्टेंगुलर पार्क था जिसकी साइड थी 20 बाई 12, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का एक पाथ बनाया गया जिसमें पत्थर लगाने का रेट है ₹10 per meter square, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्टोन। आपको करना है कि अगर रेट पूछा जाए, बजरी डालने का क्वेश्चन आता है, तो एरिया निकाल के उसको रेट से गुणा कर देना है, ये क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में। आप क्या करोगे, देखो आउटर लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 भाई, इंटरनल लेंथ 20 है, 2 इधर जुड़ेगा 24 हो गई, और एक्सटर्नल विड्थ कितनी हो गई, 16। तो देखो एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, 24 × 16 - 20 × 12, राइट, ये कितना हो गया गुणा, 384 - 240 144, ये आपका हो गया एरिया 144 meter square, और इसको × 10 कर देना, तो कॉस्ट कितना आ गई, अरे समझ बात हो गया, हो गया ना, ओके। अब अगर हम बनाते हैं इनसाइड अंदर की तरफ, तो उस केस में मान लेते हैं बाहर की लेंथ है एल और बाहर की ब्रेथ है बी, और आपने एक्स मीटर चौड़ा बनाया है, तो ये हो जाएगा l - 2x, भाई एक्स इधर घटेगा, एक्स इधर घटेगा, और इधर कितना हो जाएगा, और फिर वही प्रोसेस लेके चलेंगे आप, ठीक है भाई।